Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SSC classes. So class 6, we all know that we were discussing the four realms of the earth, hydrosphere, lithosphere, biosphere and atmosphere, in which we had completed the lithosphere section. We understood what is lithosphere. Complete to nahi kiya, lekin hum log ne samjha ki lithosphere kya hai. And hum log ne three layers of the earth padha, yes or no, interior of the earth, crust, mantle, core, ye sab padhe. और हम लोग ने लिथोस्फियर में स्पेशली हम लोग ने क्या देखे, लिथोस्फियर मतलब क्या, इट इज द ऑल द लैंड सरफेसेस, दैट मींस दैट कवर्स द अर्थ, यानी कि हमारे लैंड सरफेस जो है, जो हमारे अर्थ को कवर कर रहा है, या सरफेस जो है सरफेस को कवर करने वाली, या हमारे सरफेस जो बनाती है लैंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फियर बोलेंगे, यानी कि स्पेशली रॉक्स, रॉकी टेराइन, ठीक है. तो ये सारी चीज है. तो हम लोग ने देखे कि वी सॉ दैट कि लिथोस्फियर में जो एक लैंड मासेस होते हैं, उसमें बड़े बड़े लैंड मासेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. सो वो कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड हम लोग ने लगभग ऑलमोस्ट 5 कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. तो हम लोग अब पढ़ना है यू कैन से यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो ये दोनों जो है पीछे से देखा जाए तो सबसे छोटे यू कैन से कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है. एंड इसके बाद हम लोग लिथोस्फियरिक पोर्शन कंपेयर करके हम लोग आगे जो है हाइड्रोस्फीयर की ओर बढ़ेंगे आज. सो लेट्स सी व्हाट इज वी विल टॉक अंडरस्टैंड अबाउट यूरोप. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरोप. सो द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड द पेनिनसुला ऑफ इंडिया. सो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन है, यू कैन से यूरोप. तो यूरोप इज ऑल्सो कॉल्ड द पेनिनसुला ऑफ एशिया. सो पेनिनसुला ऑफ एशिया क्यों कहते हैं, आप लोग देखेंगे, उस दिन भी ये बात था. देखो अब यू कैन सी यूरोप इज लाइक यहाँ पे फर्स्ट एक साइड, दो साइड, थ्री साइड से जो क्या है, वाटर से क्या है, कवर्ड है, देख रहे हो ना. एंड द फोर्थ पार्ट यहाँ पे जो बॉर्डर बन रहा है, ये एरिया किसको कवर कर रहा है, टच कर रहा है एशिया को. इधर क्या है, एशिया है, ठीक है. तो इधर क्या होगा, ये क्या होगा, एक पेनिनसुला होगा ना, एक सेंस से. हमारे इंडिया देखोगे तो थ्री साइड से वाटर है, तो वैसे ही देखो इतना साइड से तो वाटर है, लेकिन जो एक पार्ट जो है वो वाटर में नहीं है. तो पेनिनसुला इज अ लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर और सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स अपार्ट फ्रॉम वन साइड, एक साइड को छोड़ के, और बाद बाकी सारे साइड्स में क्या होता है, वाटर कवर रहता है. तो देख रहे हो, यू कैन से वाटर कवर है, इसीलिए इसको एक पेनिनसुला ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है. सो नाउ टुगेदर विद एशिया इट्स कॉल्ड यूरेशिया. और ये अब देखो, ये लैंडमास जो है, ये लैंडमास जो देख रहे हो एशिया का, तो एशिया का लैंडमास जो है, यू कैन से ये कनेक्ट हुआ है किसके साथ, यूरोप और एशिया क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है. इसलिए हम लोग अगर ये दोनों को मिक्स करके बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेशिया, EURASIA, एशिया का एशिया, यूरोप का EUR, ठीक है, यूरेशिया इसको हम लोग कहते हैं. इज दैट क्लियर. So it is separated from Asia by Russia's Urals, the Caspian Sea and the Caucasus Mountains. तो ये जो पिछले बार ही पढ़े थे हम लोग ने, जब हम लोग ने एशिया पढ़ा था, तो एशिया जब पढ़ा था हम लोग ने देखा था कि एशिया और यूरोप को कौन डिवाइड करता है. तो इन्हीं सेंस में देखा जाए तो ये सारी चीजें क्या करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया को भी और यूरोप को भी. तो ये बॉर्डरिंग एरिया है, ठीक है, स्पेशली रशिया का उराल्स, द कैस्पियन सी एंड द कैसकस माउंटेन्स. सो लेट्स सी, जैसे कि आपका जो यूराल्स है, या उराल्स जो बोले, तो उराल्स आपका ये रीजन में पड़ता है, ठीक है. तो ये रीजन में जो रशिया है, तो ये रीजन में उराल्स पड़ता है, उराल माउंटेन्स, ठीक है. उसके बाद आपका कैस्पियन सी, देख रहे हो कैस्पियन सी यहाँ पे है, ठीक है. तो यू कैन से एक प्रकार से ये बॉर्डरिंग एरिया है, यानी कि ये एशिया तो एशिया में आता है, लेकिन ये क्या पड़ता है, आपका एक बॉर्डर एरियाज में पड़ जाता है, ठीक है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो ठीक है. बाउंडेड बाई सी इन द नॉर्थ, बाउंडेड बाई सी इन द साउथ, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. सो यूरोप जो है
सी से ढका हुआ है, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में एंड नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। इफ यू सी, मैंने बोला कि साउथ में देख सकते हो, साउथ में भी यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये क्या किया है, यूरोप को क्या किया है, बाउंड किया, ढका है। इधर में आओगे तो ब्लैक सी, ठीक है। अगर इधर आप नॉर्थ वेस्ट की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपका पानी है, ठीक है। एंड इधर में जाओगे तो यहाँ पे भी आपका क्या है, पानी है, वाटर कवर है, तो ठीक है। यूरोप इज बाउंडेड बाय साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सो लगभग ऑलमोस्ट एवरी जगह में पानी से क्या है, ढका हुआ है। सो ये एरिया में देख सकते हो, यहाँ पे भी पानी है। सो यहाँ पे साउथ में भी पानी है, तो सब जगह पानी पानी है। ऑलमोस्ट थ्री साइड में हम लोग ने बोला था कि यूरोप को क्या करता है, वाटर बॉडीज क्या करता है, सराउंड करता है। तो यू कैन से कि ये जो है यूरोप को बहुत सारे वाटर बॉडीज जो है चारों ओर से क्या करता है, ढकता है। इज दैट क्लियर? चारों ओर से नहीं, सॉरी, थ्री साइड से, ऑलमोस्ट थ्री साइड से क्या करता है, ये लोग वाटर बॉडीज क्या करता है, यूरोप को कवर करता है। तो यू कैन सी दिस, यहाँ पे एक वाटर बॉडी हो गया, यहाँ पे एक वाटर बॉडी हो गया, यहाँ पे भी एक वाटर बॉडी हो गया। सो इधर भी वाटर बॉडीज है, बाल्टिक सीज वगैरह भी है, यहाँ पे भी वाटर बॉडीज है, तो देख सकते हो। तो ये वाटर बॉडीज जो है यूरोप के लिए काफी एडवांटेजेस रहा है, काफी एडवांटेज दिया है ये वाटर बॉडीज ने। देखते हैं कैसे। द अटलांटिक ओशन ऑन इट्स वेस्ट एंड द लार्ज वाटर बॉडीज लाइक बाल्टिक सी, द मेडिटेरेनियन सी एंड द ब्लैक सी पेनिट्रेट डीप इन टू द लैंड मास, ठीक है। यदि हम लोग वेस्ट में देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में देखेंगे तो क्या है, अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन यहां पे है, ठीक है। लेकिन हम लोग यदि उनका अंदर में देखेंगे तो ये दो जो देख रहे मेडिटेरेनियन सी जो है, मेडिटेरेनियन सी यहां पे है, ब्लैक सी है, बाल्टिक सी है जो ये सी है, ठीक है। तो ये सी जो है आपका यूरोप के अंदर के लैंडमार्क तक क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, मतलब घुसता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन तो सही है, लेकिन देखो यानी कि एक प्रकार से चारों ओर से वाटर बॉडीज है, देख सकते हो ना। तो ये एक प्रकार से ये जो आपका जो ये ब्लैक बाल्टिक सी यहां पे है, जो आपका बाल्टिक सी यहां पे है, ठीक है, जो बाल्टिक सी यहां पे है, और ये जो ब्लैक सी है, जो ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो ये सारे सी क्या करता है, यूरोप के लैंडमार्क के अंदर तक जाता है। देख सकते हैं यूरोप ये पूरा है, तो इसके बीचों बीच तक पेनिट्रेट करता है। अब देखो ये सी बहुत सारे एडवांटेजेस होता है, बोला है मैंने। सो दिस वाटर्स जो है, दिस वाटर बॉडीज हैव हेल्प यूरोप इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फॉरमोस्ट सी फॉरिंग नेशन। तो यूरोपियंस एक बात देखो, तुम लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री की ओर जब बढ़ोगे, तो इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो यूरोपियंस आने लगे हैं, ठीक है। किससे आए, तो हवाई जहाज से तो उड़ के नहीं आए थे उस समय में, तो वो लोग किससे आए थे, सी से आए थे, सी रूट से आए थे या ओशन रूट कवर करके वो लोग आए थे, समुद्री रास्ते से आए थे, कहने का मतलब। तो आज के दिन में ये सी जो होता है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए ये लोगों को क्या देता है, यू कैन से मीडियम बना देता है, मोड, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग रॉ मटेरियल्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेंगे, और समुद्री जो होता है बहुत, इट विल बी चीप, सस्ता होता है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट एयरवेज के चलते, तो बहुत सस्ता होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में ये हेल्प किया है, और कहा जाए तो विश्व का पहला ऐसा देश बना यूरोपियन, अब यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट थे, वो आगे जो कंट्री थे, बहुत सारे कंट्रीज है, तो वहां से देखा जाए तो जो ये यूरोपियंस थे सबसे पहले सी फॉरिंग नेशंस बनेंगे, समुद्र से दूसरे देश जाने वाले पहला यू कैन से एक देश था, ठीक है। तो दीज वाटर बॉडीज हैव हेल्प यूरोप इन इंटरनेशनल, तो ये है एडवांटेजेस, इंटरनेशनल ट्रेड में इनको क्या किया, इन लोगों को एक सहूलियत मिल गया, क्योंकि इनके पास वाटर बॉडीज है जिससे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। और ऊपर से सबसे पहला देश बना विश्व में या पूरे संसार में पहला देश बना जो कि सबसे पहले समुद्र यात्राएं करना शुरू किया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ लेक्स विच आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, विथ ओनली 6.8 ऑफ द लैंड एरियाज यूरोप डोमिनेटेड द वर्ल्ड फॉर 2 सेंचुरीज। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, अगर जमीनी बनावट देखा जाए तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं आपका यूरोप में, यू कैन से कि
लेक्स वगैरह है यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स हैं, ठीक है। तो ये लेक्स वगैरह जो है, ये कैस्पियन सी वगैरह जो है, ये यूरोप का बॉर्डर बनता है, ब्लैक सी देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्लेशियल फॉर्मेशन से, किसमें है, ग्लेशियल। तो ग्लेशियल जब हम लोग बोलेंगे तो यू कैन से ग्लेशियल ऐसे होता है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द ग्लेशियल फॉर्मेशन, यानी कि ठंडी के टाइम पे क्या होता है कि ये सारे बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही प्रकार के ग्लेशियल फॉर्मेशन में, बर्फ में आप लोगों का यूरोप में बहुत सारे लेक्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। देखा, और यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात कहा है कि विथ ओनली 6.8% ऑफ लैंड एरियाज यूरोप डोमिनेटेड द वर्ल्ड फॉर 2 सेंचुरीज, यानी कि टोटल लैंड एरिया देखेंगे तो 20% एशिया ऐसे ही, 10% अदर कंटिनेंट्स, तो 6.8% लैंड जो है पूरे वर्ल्ड में कवर करता है यूरोप। और 6.8% लैंड काफी छोटा है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, अदर कंटिनेंट्स के कंपैरिजन में। तो इतना लैंड रह के भी ये छोटा सा एक कंटिनेंट पूरे 200 सालों तक पूरे विश्व में क्या किया है, डोमिनेट किया है। यू कैन से कि जो पहला जो कॉलोनियलिज्म, यानी कि अदर देशों को क्या किया है, यूरोपियंस एज अ ट्रेडर आए, अदर देशों को कॉलोनी बनाए हैं, जैसे इंडिया, ठीक है, अफ्रीका, देयर आर मेनी कंट्रीज, साउथ अफ्रीका एंड मेनी मोर, ठीक है, कॉलोनीज बनाए, यूएसए, बहुत सारे कंट्रीज है कॉलोनीज बनाए और वहां पे क्या किए है कि 200 सालों तक वो लोग ने रूल किए है, डोमिनेट किए, यानी कि दबाया है पूरे विश्व में धांसू लुक से, ठीक है। तो 6.8% ऑफ लैंड जो था खाली यूरोप में है, तो इतना छोटा लैंड होने के बावजूद भी यूरोपियंस काफी डेवलप्ड रहे और काफी पावरफुल रहे, ठीक है। सो नाउ लेट्स नेक्स्ट कम्स द ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, द स्मॉलेस्ट आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये क्या है, आइलैंड कॉन्टिनेंट। अब आइलैंड कॉन्टिनेंट है मतलब आइलैंड, मतलब चारों ओर से पानी से ढका हुआ। तो यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाई वॉटर ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है, सराउंडेड बाई वॉटर ऑन ऑल द साइड्स। सो यू कैन से कि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, बट इट आइलैंड छोटा होता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं किसको, ऑस्ट्रेलिया को। वॉज डिस्कवर्ड इन 18th century, 18वें शताब्दी में डिस्कवर किए थे, आई थिंक कैप्टन जेम्स कुक, इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। सो अंटिल द कमिंग ऑफ यूरोपियंस इट्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कॉल्ड एबोरिजिन्स लिव्ड फॉर 40,000 ईयर्स। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने बोला था ना इससे पहले यूरोप में कि वो लोग सबसे पहले सी फारिंग नेशन बने थे, यानी कि विश्व में सबसे पहली बार क्या किए थे, वो लोग ने सी रूट्स क्या किए थे, डिस्कवर किए थे और अदर कंट्रीज को खोज निकाला था। तो 18th century में यूरोपियन सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे, यूरोपियंस, रिमेंबर दैट। तो उस समय जो यूरोपियंस गए वो अलग बात है, लेकिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया के मुख्य जो थे जाति, उनको हम लोग क्या बोलते थे, एबोरिजिन्स बोलते हैं, और वो वहां पे 40,000 ईयर से वहां पे रह के आ रहे थे, वहां पे 40,000 सालों से रह रहे थे, एबोरिजिनल्स भी बोला जाता है, ठीक है, एबोरिजिन्स लाइक हमारे देश में आदिवासी जो थे, ठीक है, तो वैसे ही। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है पूरी तरीके से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसके बीचों बीच चलती है। सो इफ यू सी, सो बीचों बीच लगभग मिडल बोला जाए तो लगभग, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो बीचों बीच जाती है। नाउ वन मोर थिंग आउट हियर इज दैट इट इज, इट्स ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया बट हैज द पॉपुलेशन विच इज 35 times लेस देन इंडिया। यदि हम लोग इसको, हम लोग हमारे, यदि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो साइज है इंडिया से 2 गुना ज्यादा है, इंडिया का साइज से 2 गुना ज्यादा है, यानी कि बहुत बड़ा है इंडिया से,
but has a population which is 35 times less than India. और जो इंडिया के साइज से दो गुना बड़ा है, ठीक है, ठीक है, दो गुना बड़ा है इंडिया का साइज से, और पॉपुलेशन जो है इंडिया से 35 गुना कम है. ठीक है, अब देख सकते हो डिफरेंस. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. एंड जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडिया से क्या है, दो गुना बड़ा है, और हमारा इंडिया दो गुना छोटा है. ठीक है, तो अब इंडिया का पॉपुलेशन जो है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से 35 गुना ज्यादा है, यानी कि 35 टाइम्स हमारा पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है. ठीक है, सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन ऑल द साइड्स, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अ डेजर्ट. भले ही आपको यहां पे पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन देख रहे हो यहां पे है इस साइड में, पैसिफिक ओशियन आपको क्या कर रहा है, इधर से कवर कर रहा है, और यू कैन से चारों ओर से ओशियन ने कवर किया. इसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ द यू कैन से ऑस्ट्रेलिया क्या है, डेजर्ट है. देख सकते हो ना ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये सब ये भूरा रंग का दिख रहा है, सो इट्स ऑलमोस्ट डेजर्ट, मोस्ट ऑफ देम आर डेजर्ट. ठीक है, इट हैज एन आइलैंड इन नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो नोन एज ओशिनिया. आइलैंड भी है नॉर्थ वेस्ट में, लगभग इसी डायरेक्शन में यहां पे होगा शायद, लगभग नॉर्थ वेस्ट इसी डायरेक्शन में ओशिनिया बोलते हैं. एंड दिस कॉन्टिनेंट इज ड्रेन्ड बाय टू रिवर्स, मरे एंड डार्लिंग. तो यहां पे केवल दो रिवर है ऑस्ट्रेलिया में जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मरे एंड डार्लिंग. सो यहां पे एक काफी इंपॉर्टेंट एक आपको एक फीचर देखने मिला, डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ. तो ये एक आइलैंड जैसा बनता है, ठीक है, इज ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड रन्स अबाउट 2000 किलोमीटर अंडर द शैलो वाटर ऑफ द सी. शैलो मतलब जिसमें गहराई कम हो. ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं क्या है. तो आपका यहाँ पे एक कोरल रीफ पाया जाता है. क्या पाया जाता है, कोरल रीफ, कोरल रीफ. अब कोरल आइलैंड्स, ये कोरल रीफ क्या बनाता है, आइलैंड्स बनाता है. लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो हमारे इंडिया में है वो भी कोरल से बना हुआ आइलैंड. अब कोरल क्या, देखो दिस आर द रीफ्स. ठीक है, ये लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2000 किलोमीटर ही है ना, यस 2000 किलोमीटर तक क्या है ये ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है. तो कोरल रीफ या रीफ जो होता है बेटा वो एक सी क्रीचर होता है छोटा सा, उसका नाम होता है कोरल बोलते हैं शायद, यस कोरल, यस कोरल. और जब ये इसके बॉडी से वेस्ट जो निकलता है जिसको एटॉल्स बोलते हैं, ATOLLS आई थिंक एटॉल्स. ठीक है, तो एटॉल्स जो होता है उसका जो बॉडी का जो वेस्ट होता है एटॉल्स, वो मरने के बाद वो या उसके बॉडी से जो एक्सक्रीट होता है वो क्या होता है, एक आइलैंड फॉर्म होता है, एक नया कंपाउंड हो, जब एक साथ वो मिल जाते हैं, ढेर हो जाते हैं तो ऐसे रूप ले लेते हैं. ठीक है, सो दिस आर द कोरल रीफ्स, ग्रेट बैरियर रीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ लार्जेस्ट रीफ है, ये काफी डिस्टिंक्टिव. ये जो है शैलो पानी, कम पानी में, जैसे कि वहां पे जो है समुद्र का गहराई ज्यादा नहीं है, और वो लोग क्या करते, ये लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, सोच सकते हो कि कितना बड़ा है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया, दिस वॉज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया. सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि हम लोग ने कॉन्टिनेंट पोर्शन क्या कर लिए है, कवर कर लिए है. वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्टिनेंट पोर्शन एंड वी हैव कंप्लीटेड द लिथोस्फेरिक पोर्शन. सो नाउ वील मूव टूवर्ड्स द हाइड्रोस्फियर. सो नाउ वॉट इज हाइड्रोस्फियर वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, वॉट इज हाइड्रोस्फियर हम लोग देखेंगे. सो हाइड्रोस्फियर हम लोग ने बोला है कि हाइड्रोस्फियर जो है इट रिफर्स टू द स्फीयर ऑफ वॉटर, यानी कि लिथोस्फियर मतलब केवल जमीनी क्षेत्र पर रहते हम लोग, केवल जमीनी क्षेत्र पर रहते हैं जहां पे आपको क्या मिलेगा, लैंड सरफेस मिलेंगे, लैंड फॉर्म्स मिलेंगे, लैंड की बनावट मिलेंगे, लैंड कवर मिलेंगे, वो लिथोस्फियर थे. लेकिन अब हाइड्रोस्फियर मतलब क्या है, वाटर. हाइड्रोस्फियर मतलब क्या है, वाटर है. हाइड्रोस्फियर मतलब वाटर. ओके, सो नाउ हाइड्रोस्फियर मतलब वाटर है. तो हमारे ये जो वाटर जो है, जो वाटर का क्षेत्र है वो कितना बटा है. ठीक है, एज यू ऑल नो दैट हमारे ओशन कवर जो है 71% ओशन कवर है. तो यानी कि 100 में हम लोग मान लो 71% क्या है ओशन कवर है एंड 29% क्या है लैंड है.
ठीक है, ये हो गया आपका ओशन, ठीक है, ये हो गया लैंड, ये हो गया आपका लैंड. Our total surface area of the globe is 510 million square kilometer. हमारे पूरे ग्लोब का सरफेस एरिया यदि हम लोग देखेंगे तो वो 510 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हम लोग पूरे पृथ्वी का बोल रहे हैं समुद्र के साथ सब लेके, ठीक है, तो वो सरफेस एरिया कितना है, 510 स्क्वायर किलोमीटर, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. द हाइड्रोस्फीयर कवर्स अप्रोक्सीमेटली 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो सरफेस है उसमें से 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या और कौन कवर करता है, वाटर. हाइड्रोस्फीयर क्या करता है, कवर करता है अप्रोक्सीमेटली. दिस इज व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, तो इतना जब देख सकते हो कवर करता है वाटर, यानी कि 50% से भी ज्यादा कवर कर रहा है, 71% 362 मतलब 71% लगभग, ठीक है. तो ये जो हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली ये वाटर एरिया है, तो ज्यादा इसके मतलब हम लोग क्या, इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हमारा अर्थ में जो है लैंड से ज्यादा क्या है, पानी है, तो लैंड से ज्यादा पानी है, तो इसलिए हमारा अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है कि स्काई से जब वो वाटर क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रिफ्रैक्शन वो फिजिक्स लगता है, तो वहां पे ब्लू कलर का दिखाई देता है. सो इसीलिए वाटर बॉडी ज्यादा है, इसीलिए हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. Our ocean constitute 97.2% of total water which is saline or salty. तो यदि हम लोग देखेंगे हमारे अर्थ में जितने 100% वाटर है, मान लो 100% जितना भी वाटर बॉडीज है, मान लो जितने भी वाटर बॉडीज जितने भी हाइड्रोस्फीयर है वो है 100% जो हाइड्रोस्फीयर हमारा जो कवर है पानी का कवर है, उसमें से जो 97.2% है वो सब क्या है, समुद्र है. 97.2% यानी कि 100% में 97.2% जो वाटर है वो कब सब क्या है, ओशन है, जो कि नमकीन है, सलाइन सल्टी एक ही नमकीन है, उसका नेचर क्या होता है, नमकीन है, वो एकदम खारा पानी है, ठीक है. 61% वाटर कवर इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 81% वाटर कवर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अब ये चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, ये समझना है, ये क्या है कि लेट्स डिवाइड दिस, ओके. तो अब तो आप लोग सोच रहे होंगे 61 और 81 जो हो रहा है, 8, 4, 12, 13, 14, 1 एंड 42 हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये गलत है, ये कैलकुलेशन में नहीं जानना है. जैसे कि 61 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 81 साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये नहीं है. तो हम लोग केवल ये देखेंगे, अब देखोगे क्या है, हम लोग ने देखे कि 61% जो है नॉर्दर्न एनएच मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, एंड 81% इन साउदर्न हेमिस्फीयर एसएच. तो जब हम लोग अर्थ ऐसे देखेंगे, अभी केवल ये 0 डिग्री हो गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो ये इक्वेटर हो गया 0. तो इस ये एरिया बोल रहे हम लोग, ये केवल, ठीक है, अब कलर चेंज करेंगे, केवल हम ये एरिया बोले, केवल ये एरिया जो है इस एरिया में, हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर को छोड़ देंगे, केवल ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एरिया लेंगे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जितने भी ये एरिया है इसमें से जो है 61% आपका क्या है, वाटर है, एंड बचा 39% क्या है, लैंड है, ठीक है, ठीक है. अब जब हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, लेट्स चेंज कलर, जब हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, ये तो ग्रीन में, हाँ यस, जब हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे यहां पे, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में 81% है, 81% क्या है, वाटर है, ठीक है, और 19% क्या है, लैंड है, ठीक है, समझ रहे हो. अब ऊपर में पानी कम है, नीचे में पानी ज्यादा है, ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मासेस है, ठीक है, एक बार बस, ठीक है. तो साउदर्न हेमिस्फीयर में एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो उसके अलावा अदर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स है, लेकिन इसीलिए बोल सकते हो कि ऊपर में ज्यादा पानी है, नीचे में पानी, ऊपर में ज्यादा कम पानी है, नीचे में ज्यादा,
तो जब हम दोनों भाग में डिवाइड कर देंगे नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। सो अब उतना तो समझ लिए पानी का। अब एक सवाल आ रहा है, 97.2% आप लोग सलाइन वाटर है, यानी कि जब सलाइन वाटर होता है बेटा, दैट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट मीन वी कैन नॉट ड्रिंक सॉल्टी वाटर, हम लोग सॉल्टी वाटर ज्यादा पी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पियेंगे क्या, और पीने के लिए बचा कितना है, पीने के लिए बचा केवल कितना है, 2.8% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो यानी कि 97.2% पानी तो क्या है आपका, सलाइन है, सलाइन वाटर है, और यू कैन से सॉल्टी वाटर है, जो कि पीने लायक नहीं है, वो पिए वाला जल नहीं है। अब पिए वाला जल यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है बेटा, वो केवल 2.8% फ्रेश वाटर है, ठीक है। 2.8 अब अगर 97.2 में जोड़ दोगे तो 100% हो जाएगा, पूरा कंप्लीट करे तो 97.2% जो है कि सलाइन वाटर है, ओशनिक वाटर है, और जो उसमें से बचा 2.8% वाटर है वो फ्रेश वाटर है, और जो कि हमारे लिए हम लोग पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक दैट वाटर। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन ग्लेशियर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेश वाटर हम लोग पीते हैं वो किसके रूप में है, ग्लेशियर्स के रूप में, हिमालयस हो या हायर माउंटेन्स में हो, ऐसे रूप में देख सकते हो, यू कैन से दिस ग्लेशियर्स। अब ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, पिघलने के बाद, पहले भी दिखाए थे, पिघलने के बाद ये नदी बनती है और नदी का पानी हम लोग पी सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर है ये, ठीक है। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब सरफेस वाटर यानी कि सतह पे पानी जो पीने लायक हो, और ग्राउंड वाटर, अब ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे पानी, तो ये देख रहे हो ग्राउंड वाटर जो है, जो ये ग्राउंड वाटर जो है, ये ग्राउंड वाटर जो है आप लोगों का, ये ग्राउंड वाटर है, मान लो एक टेबल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर सरफेस टेबल है, ठीक है। तो यहां से आप लोग कुआं खोदते हैं तो यहां से आपका पानी ऊपर जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर का सरफेस होता है, जो ये ऊपर का सरफेस होता है आप लोगों का, तो ये सरफेस जो है रॉकी होता है, जमीनी भाग है, तो ये जब जमीनी भाग है तो यहां से आपका इसमें छोटे छोटे एयर पास करने के लिए जगह होता है, वाटर पास करने के लिए, तो ये वाटर जाता है पानी, बारिश होने के बाद जब रेनफॉल होती है तो यहां से नीचे जाती है, जब क्लाउड से क्या होती है, रेनफॉल होती है, तो पानी नीचे जाती है, तो ये यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। और यहाँ से नीचे जो है पत्थर में वो लोग छेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग नीचे अंदर तक नहीं जा पाते, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहीं पे अटक जाता है, ग्राउंड वाटर वाटर हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये जो है उसमें हम लोग कुआं खोदते और पानी निकालते हैं, यस आई थिंक यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस थिंग, सबको पता है। तो यही पानी ऊपर जाता है एक्चुअल में, और ये फ्रेश वाटर है, और ये सारी चीज बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ऐसा नहीं कि सब जगह पाया जाता है जमीन के नीचे पानी, ठीक है, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। रिवर्स अगर देखा जाए, रिवर अकाउंट्स लेस देन 1% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर, FRESH, टोटल फ्रेश वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन एंड मेनी मोर। तो हम लोग हाउस होल्ड वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं, रिवर अकाउंट्स ओनली 1% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर, यानी कि जितने भी फ्रेश वाटर है 2.8% में, उसमें लेस देन 1%, 1% से भी कम क्या है, नदियां है जो कि फ्रेश वाटर आपको देती है, जो कि हम लोग इरिगेशन, फार्मिंग, यूज फॉर ड्रिंकिंग, बादिंग एंड ऑल, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर समझ में आया होगा, हम लोग ने कॉन्टिनेंटल पार्ट भी खत्म कर लिया, स्फीयर पार्ट भी खत्म कर लिया, और वी हैव जस्ट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द हाइड्रोस्फीयर। सो अब हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, वाटर से रिलेटेड अदर ओशन जो है हमारे यहाँ पे 5 मेन ओशन है वो हो गए, और वाटर से रिलेटेड अदर फेनोमेनास यानी कि साथ जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।